हेलो क्लास सिक्स, टुडे आई विल टीच यू मॉरल. ओके, मॉरल साइंस. आवर फर्स्ट लेसन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स स्पेशल पीपल. ओके, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं स्पेशल पीपल के प्रति. स्पेशल पीपल कौन होते हैं? स्पेशल पीपल आर द पीपल हु हैव सम डिसेबिलिटीज़ इन देम. स्पेशल पीपल वो पीपल होते हैं जिनमें कुछ डिसबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि वो ब्लाइंड हो सकते हैं, वो डीप हो सकते हैं या हैंडीकैप्ड हो सकते हैं. वो सारे पीपल स्पेशल पीपल में आते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर. वी विल ओवरकम. A person who cannot see is visually challenged. एक person यानी कि एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता, उनको हम visually challenged people बोलते हैं. ओके, There are millions of such people in this world. तो इस world में millions of people जो हैं वो visually challenged हैं. We can understand what such a person feels only if we try to experience their problem. तो इस तरह के जो people होते हैं, जो visually challenged होते हैं, उन्हें बहुत problem होती है. उनकी problem को हम समझ सकते हैं, ठीक है, हम feel कर सकते हैं उनकी problem को. Shut your eyes and then try to walk or do some activity. तो अगर हम अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं, ठीक है, और हम चलने की कोशिश करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, यू विल रियलाइज़ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू डू एनीथिंग विदाउट साइट. तो हमें पता चलता है, हमें ये एहसास होता है कि बिना देखे कोई भी वर्क करना कितना डिफ़िकल्ट है, कितना मुश्किल है. ओके, डू द विजुअली चैलेंज्ड पीपल नीड आवर पिटी. तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, क्या उन्हें हमें हमारी दया की ज़रूरत होती है? पीटी मीन्स दया. ओके, नो, दे जस्ट नीड अवर अंडरस्टैंडिंग एंड केयर. ऐसा नहीं है, हमें दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, हमें बस उनको हमारी आवश्यकता की ज़रूरत होती है, ठीक है, हमें उनको समझना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए. फॉर ईयर्स इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड इन मोस्ट कंट्रीज दैट ब्लाइंड पीपल कुड नॉट बी टॉट टू वर्क और टू लुक आफ्टर देम सेल्फ. तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ये देखा गया कि ब्लाइंड पीपल जो है वो वुड नॉट बी टॉट टू वर्क और टू लुक आफ्टर देमसेल्व. तो जो ब्लाइंड पीपल हैं वो अपनी ही देखभाल खुद से नहीं कर सकते, अपना ही कोई वर्क खुद से नहीं कर सकते, ठीक है. बहुत पहले सालों पहले ऐसा सोचा जाता था. इट वॉज ओनली इन द लेट 18th century दैट एफर्ट्स वर मेड टू एजुकेट देम. तो 18th century के करीब एक प्रयास किया गया उनको एजुकेट करने का, उनको शिक्षा देने का एक कोशिश की गई. ओके, इन 1771 ए फ्रेंच मैन नेम्ड वैलेंटाइन हॉवे ऑब्जर्व्ड ए ग्रुप ऑफ ब्लाइंड पीपल एट ए फेयर. तो 1771 में एक फ्रेंच मैन थे, उनका नाम था वैलेंटाइन हॉवे, ठीक है. उन्होंने ग्रुप ऑफ ब्लाइंड पीपल यानी कि अंधे लोगों का एक ग्रुप, एक समूह देखा. कहाँ देखा? फेयर में, यानी एक मेले में कुछ अंधे लोगों का समूह देखा. ही कंक्लूडेड दैट एज ब्लाइंड पीपल हैव टू फाइंड देयर वे अबाउट बाई टचिंग ऑब्जेक्ट्स. उन्होंने देखा कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को छू कर या उनको टच करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं. दे ऑफन हैव वेरी सेंसिटिव सेंस ऑफ टच. उनकी जो टच होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है. ओके, हॉवे वेंट बैक होम. हॉवे घर वापस चले जाते हैं, डिटरमाइंड टू डिवोट
his life to educate the people and improve their condition of living. और वो अपने मन में ये निश्चय करते हैं कि अब वो ब्लाइंड पीपल को एजुकेट करेंगे और उनकी लाइफ की जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव करेंगे, ओके, ताकि वो अच्छी सी लाइफ जी सके, ओके.